और उसमें जो मतैजी खानदान चिश्त या मतैजी भी खानदान कादरी जो है उनसे एजाज क्यों है, इसलिए कि इन लोगों का मसलक इश्क है, वो इश्क जिसकी इब्तदा कारसाज खुद करता है। तो जो लोग कुरान पाक के माहिर हैं वो मतैजी खूब बड़े अच्छे तरीके से ये कह सकेंगे कि जहाँ कहीं मतैजी भी जिक्र आता है तो वो मतैजी भी अपने महबूब से फरमाता है कि क्या तुम उस वक्त देखते नहीं थे जब इब्राह का किस्सा मुझे सामने आया, क्या तुम उस वक्त देख 55 दिन के बाद हुजूर की विलादत होती, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा वो बंदी खाने के हाल से आया, मेरे महबूब तुम वाकफ नहीं, जब हम कहते हैं तुम उस घर के वाकस नहीं, पता ये चलता है उस वक्त थे। और वो क्या चीज है जो मतैजी उनको हाजिर नाजर करती है, खुदा तो कहता है मेरा महबूब हाजिर नाजर है, मुल्ला कहता है मतैजी हाजिर नाजर नहीं है। हर साल शैतान को कंकरिये मारता है और मतैजी मतैजी से लगे ना लगे तो दोबारा फिर मारो, वो हाजिर नाजर कई सदियों से वो एक सुतून है जिसे मतैजी जुमरा कह के शैतान कह के हाजी जो है उससे कंकरियाँ मारते हैं। जब पूछा जाए ना गैर मुकल्लद से मैं ये है शैतान हाजिर नाजर है, जिसका कलमा पढ़ते है जिसका मतलब जो भी है तुम्हारा वो नबी की पहचान के लिए नबी की मोहब्बत दरकार है। वो लोग मतलब खुदा के हजूर में मतलब पसंदीदा है जो उसकी मोहब्बत लेकर खुदा के हजूर में पेश होते हैं, और उस मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो आपको कुरान कहेगा कि मतलब हाँ मेरा ताल्लुक। और अहले अल्लाह के सीनों ने इसे मतलब उजागर किया अपने मतलब माहौल अपने मतलब अकीदत का जो मतलब सिलसिला उसमें मतलब इसको आगा भी करना हजूर सरकार हजूर हाजी सैयद नवारत अली शाह रहमत बड़े आला पैमाने पर इनका बयान जो है मतलब हरम पाक में भी मदीना शरीफ की मस्जिद नबी में भी अपने क्याम दौर शाम को महफिलें होती थी वहाँ तो शाम को मतलब सुनने वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे। मुझे ये इब्तदान शर्फ हासिल है कि मतलब मेरी बैत की इब्तदा सरकार हजरत आला क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से। आपका आलम रवाया में फरमाना कि अपने तालीम के लिए हजूर हाजी सैयद नवारिस अली शाह साहब का सिलसिला इख्तियार करो, बहरहाल नसीब किस्मत ये रहमतें और बरकतें मतलब उसी आला खानदान के मतलब जिनके पहले भी मोहताज थे अब भी मोहताज थे। वैसे जबरील अमीन का जबरील में एक तमन्ना है मेरी मतलब बड़े मुफक्कर जो हैं इसे जिस तरीके से लिखते हैं मेरे महबूब के सीने का सदरा करो, और इसका हाल कुरान पाक वसत से मतलब बयान फरमा रहा, थोड़ा नहीं खोल के जितना इसे आप खोलते जाएंगे आपके इलम व फैम में इजाफे के लिए मोहब्बत सर्वे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरकार है। इस्लाम बगैर मोहब्बत के मतलब और कुछ भी नहीं थे। अगर कोई फलसफा देवबंद का आ जाए या गैर मुकल्लदीन कोई अपने मतलब जोर का मतलब बयान मतलब देने की कोशिश करें तो वो नाकाम हो जाएगा। ना साथ एक मिसाल देता जाऊँ कि मतलब मेरे पास एक तर्जमान कुरान पहले मैं मुलाजमत के दौर में मौलाना मौजूदी का तो उसने बड़ा मेरे एक तहजीब थे वो मेरे पास लाए कि ये देखें मतलब मौलाना साहब ने क्या लिखा। उन्होंने तो लिखा कि कब्रिस्तान से बाहर जितनी भी कब्रें हैं वो हराम है। वो पढ़ा रहा मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में मतलब वो खुदा की कुदरत के वो मौलाना मौजूदी जब फौत हो गए तो उसके घर वालों ने उसे अपने शहर में ही दबा लिए। अब मैं उसको कई वक्त तक पढ़ता रहा कि
مولانا صاحب کی قلم نے لکھا ہے یہ مرتضی جی پہ عجیب بات ہے کہ قبرستان سے باہر جو قبریں وہ حرام ہیں. ہمیں تو خوف حرام و حلال کا نہیں ہے. ہم تو مرتضی جی جن لوگوں پہ ہم نے جان اپنی نثار کر دی ہے وہ جانے ان کا کام جانے کہ حلال ہے یا حرام. ہمارے شیخ طریقت پہ ہمارا نظام ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. محبت کی اگر تو محبت قصد سے تو ہوتی نہیں, جہاں کوئی صورت پسند آ جائے اس پہ مبتلا ہو گئے. مسلک عشق ہے مطلب جی اس چشتیہ خاندان کا, قادری خاندان کا. لہذا وہ میں نے مطلب جماعت اسلامی کے میرے دوست ہیں ان کو کہا جی پڑھے مولانا صاحب کی قبر کا حال کیا ہے. ہم نے کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ نے ابھی تک رکھا ہوا ایسے, اگر کیا مطلب اس کی آگ میں پھینک دوں. یہ ہماری میراث ہے مطلب تمہارے جو تاریخی مواد اگر غیر مقلد کے پاس ہے تو وہ لائیں باہر نکالیں. ہم اس کا مطلب جی اعلیٰ ترین طریقے سے جواب دیں گے. ہم نے مطلب جی اہل اللہ کی جوتیوں میں بیٹھ کے مطلب جی اس کو دیکھا, ان کا نظارہ کیا, پھر ان پہ نثار ہوئے. ویسے نہیں, یہ ان کا اپنا نظام ہے, ان کو عطا ہے. باہر وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے مطلب جی